Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue chapter 9 that is safe handling and storage of water. Students, yesterday we have discussed some method of purification of water that is boiling. Filtration and chlorination. And today we will continue with a new topic that is need for avoiding stagnation of water. Need for avoiding stagnation of water. Stagnation of water means water ka ikata hojana. स्टैगनेशन ऑफ वाटर जैसे गंदा वाटर होता है कहीं पर भी काफ़ी दिनों से अगर वाटर हो तो वो इकट्ठा हो जाता है और उस गंदे पानी में बहुत सारे मॉस्किटोज़ पैदा हो जाते हैं और जिनसे बहुत सारी डिसीज़ेज फैल जाती हैं सच वाटर इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्कीटोज़ जैसे यहाँ पर पानी गंदा पानी ऐसे इकट्ठा हुआ है काफ़ी दिनों से इकट्ठा हुआ रहता है तो ऐसे वाटर में क्या होता है मॉस्किटोज आ जाते हैं ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्कीटोज मीन्स मच्छर पैदा हो जाते हैं एंड दीज मॉस्किटोज़ स्प्रेड डिसीज लाइक मलेरिया डेंगू एंड चिकनगुनिया और इन मॉस्कीटोज से कौन सी डिसीज़ज फैलती हैं मलेरिया डेंगू एंड चिकन गुनिया सो वट आर द डिसटो डी फोर डेंगू एम फोर मलेरिया एंड सी फोर चिकन गुनिया वी ऑल नीड टू टेक केयर डैट वॉटर इज नॉट अलाउड टू स्टेग्नेट इन ओल्ड और ब्रोकन कंटेनर अराउंड आर हाउसेज हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वॉटर इकट्ठा ना हो जैसे गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है ना किसी ब्रोकन कंटेनर किसी पुराने कंटेनर में या किसी टूटे हुए कंटेनर में कहीं पर क्या होता है टूटे हुए टायर्स और टूटे हुए कंटेनर्स हम कहीं पर रख देते हैं बाहर आउटसाइड पर और जैसे ही रेन आती है तो रेन वाटर उसमें इकट्ठा हो जाता है जैसे टायर्स हैं कोई पोर्ट रखा हुआ है ओके कोई कंटेनर्स हमारे घर में वेस्ट पड़े हुए हैं और हम उनको बाहर आउटसाइड पे रख देते हैं जब रेन आती है तो उसमें वाटर इकट्ठा हो जाता है ओके डैट इज़ स्टेगनेशन ऑफ वाटर तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी ऐसे वोटर इकट्ठा ना हो क्योंकि ऐसे इकट्ठे हुए गंदे पानी में क्या आते हैं मॉस्किटोज आ जाते हैं और उससे क्या हो जाती हैं डिसज़ हो जाती हैं वी शुड also चेंज water इन room कूलर्स एंड फ्लार्स पोर्ट आफ्टर एवरी थ्री टू फोर डेज फ्लार स्पोर्ट में या जो बाहर कंटेनर्स होते हैं उनमें कई बार पानी ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटेनर ये कंटेनर किसी आउटसाइड में ऐसे ही रखा हुआ है और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है अगर हम इस पानी को नहीं गिराएंगे तो इसमें मॉर्किटोज आ जाते हैं और उनसे डिसीज फैल जाती हैं ये पोर्ट है पोर्ट में क्या होता है कई का कई बार ऐसा होता है पोर्ट में जो पानी होता है वो टू थ्री डेज तक सूखता ही नहीं है ओके जैसे इन विंटर डेज अब जो विंटर डेज हैं तो हम पोट में पानी डालते हैं प्लांट्स में पानी डालते हैं तो वो टू थ्री डेज तक वो ड्राई ही नहीं होता मीन सोइल उसको एब्जॉर्ब नहीं करती वो पोर्ट में एज एट इज़ पड़ा रहता है जैसे यहाँ पर है ओके तो ऐसे वाटर में मॉस्किटोज आ जाते हैं ओके okay, तो इसलिए हमें फ्लावर पोट का और रूम कूलर्स का जो वाटर है वो थ्री फोर डेज़ के बाद चेंज करते रहना चाहिए This is a picture of room coolers. When water in room coolers can't be changed, two spoon of kerosene should be put in it to keep the mosquitoes away. अगर uh, room coolers का water हमने three या four days में change नहीं करा, इसे हमें change करते रहना चाहिए, but in case अगर हम नहीं change कर पाए, तो हमें उस uh, water में room cooler में टू या थ्री स्पून केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए क्योंकि केरोसिन ऑयल से क्या होता है जो मॉस्कीटोज़ हैं वो मर जाते हैं या फिर वो भाग जाते हैं ओके तो हमें रूम कूलर्स का वाटर चेंज करते रहना चाहिए और या फिर उसमें टू या थ्री स्पून केरोसिन ऑयल केरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए जिससे मॉस्कीटोज़ वहाँ पर ना आए क्लियर स्टूडेंट्स नाउ सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर कि वाटर की सेफ वाटर को कैसे हम सेफली स्टोरेज करके रख सकते हैं किस तरीके से हम उसको स्टोर करके रखें सो दैट वाटर जो है सेफ रहे सुरक्षित रहे पीपल ओफन स्टोर वाटर इन अर्थन पोर्ट्स एंड कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर ब्रास और स्टील पीपल जो अक्सर इन टाइप के कंटेनर्स में वाटर को स्टोर करते हैं जैसे अर्थन पोट अर्थन पोट मीन्स मिट्टी के घड़े क्लियर या फिर कॉपर और ब्रास के मटके जिसे हम बोलते हैं कंटेनर्स पोर्ट्स क्लियर वाटर बोटल जो आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो तो ये सभी कंटेनर्स हैं जिनमें नॉर्मली पीपल वाटर को स्टोर करके रखते हैं पीपल ऑल्सो स्टोर वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर्स प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जैसे जस्ट लाइक दिस प्लास्टिक बॉटल्स बकेट्स ओके दि कंटेनर तो ऐसे कंटेनर्स में भी पीपल क्या करते हैं वोटर को स्टोर करके रखते हैं और इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक एलमिनियम और स्टील स्टील के जो कंटेनर्स होते हैं स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं नॉर्मली आपने अपने घर में किचन में देखा होगा स्टील की बकेट्स होती हैं बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं सो प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ़ हैंडलिंग ऑफ प्योरीफाइड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जर्म्स अवे तो जर्म्स को दूर करने के लिए वाटर की प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए और सेफ़ हैंडलिंग होनी चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा वाटर है वो प्योर हो प्योर बिल्कुल प्योर वाटर हो उसमें जम्स ना हो उसमें मक्खी मच्छर ना आए ओके वो गंदा ना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी प्रॉपर स्टोरेज करें किसी अच्छे कंटेनर में एक नीट एंड क्लीन कंटेनर में उसको स्टोर करें और उसको जम से भी बचा के रखें ठीक है तो हमें प्योर वाटर प्योरीफाइड वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स डेट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर साइंस बुक पेज नंबर सेवेंटी ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे